अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाजी रहमान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट से अपना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी अपना टेस्ट रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि आइंदे आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। दोस्तों मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। यहाँ आपने लिखना है www.joinpakarmy.gov.pk। दोस्तों ये जॉइन पाक आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये अभी ओपन हो रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी टेस्ट के बारे में मालूमात है, लेकिन हमें जो टेस्ट अभी चाहिए वो है लॉन्ग कोर्स PMALC। ये नंबर तो टाइम के हिसाब से चेंज होता है, यानी जो नया टेस्ट आता है उसका 147 होगा या 148 होगा। अभी जो चल रहा है टेस्ट, उसका जो स्लिप हम डाउनलोड करेंगे वो है 146 PMA लॉन्ग कोर्स। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हियर, तो मैं यहां क्लिक करता हूं। दोस्तों यहां आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और यहाँ आपने अपने वालिद साहब का या जो गार्डियन का शनाख्ती कार्ड है वो आपने यहाँ देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने एक भाई के शनाख्ती कार्ड नंबर को कॉपी किया हुआ है, तो आपने यहाँ इस तरह से वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद यहाँ आपने लिखना है अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर नीचे। तो दोस्तों ये डैशेस भी आपने बरकरार रखने हैं यहाँ। दोस्तों इसके बाद आता है ये कोड, इंटर कोड, तो आपने ये कोड यहाँ पे लिखना है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ 0CCWLKJ और फिर आपने चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने आपका रोल नंबर स्लिप आ गया है। अब आपने सिर्फ इसको डाउनलोड क्लिक प्रिंट करना है, तो प्रिंट बटन पे आप क्लिक करेंगे और इसी तरह आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर घर में मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि ये प्रिंट आप किसी शॉप पे निकालें, तो आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपने प्रिंट बटन पे क्लिक करना है यहाँ। फिर दोस्तों आपने इसको इस तरह एक्सपेंड करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सेव एज PDF। तो मैं जब ये इस तरह क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करें, यहाँ आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप इसको अपने डेस्कटॉप या जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं ये इसको एक नाम दे देता हूँ PMALC146, ये मैंने इसको एक नाम दे दिया। दोस्तों ये अब मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि आपको की तसल्ली हो जाए। ये दीजिए, ले लीजिए दोस्तों, ये रोल नंबर हमने सेव कर लिया। अब मैं इसको USB में डाल के कहीं पर भी प्रिंट कर सकता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।